विधानसभा चुनाव में अपना पर्चा दाखिल करने के बाद नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है, फिर चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, इसी के चलते निर्वाचन आयोग में भी शिकायतों का दौर जारी है। दोनों पार्टियों में कितनी शिकायतें हुई है, किन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, ये जानने के लिए हमारे साथ अभी फिलहाल मौजूद है हमारे संवाददाता अजहर। अजहर, क्या कुछ अभी फिलहाल निर्वाचन आयोग में शिकायतें पहुंची और किन पर कितनी क्या कुछ कार्रवाई की गई है, चूंकि दोनों पार्टियों की विधि प्रकोष्ठ की टीमें भी बनाई गई है, उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए रवि, जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुई है तब से दोनों ही पार्टियों के टीमों ने अपनी कानूनी सलाहकार टीमों को गठित कर दिया था, जहाँ यह जो कानूनी जो टीम के सलाहकार हैं यह निगाह रखते हैं कि किस तरह से विपक्ष पार्टी का उम्मीदवार जो है वो गलती करता है, क्या उनकी ओर से मतदाताओं को प्रबंध दिए जाते हैं, उस आधार पर यह शिकायतें हो रही हैं। लेकिन खास बात की जाए तो भाजपा विधि प्रकोष्ठ की, जहाँ पर अधिकतर शिकायतें जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवारों या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ की गई हैं। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर हर उम्मीदवार के साथ 5 सलाहकार को, अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है, जो वो उम्मीदवार के साथ ही दिन रात जनसंपर्क में रहते हैं। उम्मीदवारों को वो ये गाइड करते हैं कि आपको किस चीज़ों से बचना है, नियम का क्या पालन करना है। तो वहीं अगर विपक्ष की ओर से कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तो उनकी क्या शिकायत की जाती है। तो लगातार ऐसी विधि प्रकोष्ठ की ओर से लगभग अभी तक 50 से अधिक ऐसी शिकायतें क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज की जा चुकी। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस लीगल सेल की, तो कांग्रेस लीगल सेल भी लगातार इस तरह की अगर कोई शिकायतें बीजेपी उम्मीदवारों की मिल रही हैं तो वह पार्टी भी अपनी शिकायत जो है निर्वाचन आयोग में भी दर्ज करवा रहे। तो लगातार जो है जितना करीब यह समय आता जा रहा है उतना शिकायतों का दौर भी बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल में रवि मौजूद हैं राजेश खंडेलवाल, यह सह संयोजक है, विधि प्रकोष्ठ के कानून सलाहकार हैं, जानकार हैं। राजेश भैया, कितनी शिकायतें होती हैं, क्या आप एक पार्टी को जिम्मेदारी दी और कैसे आप गाइड करते हैं आपके उम्मीदवार को? भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ आचार संहिता लागू होने के पश्चात में और उसके पूर्व से लगातार आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसका पूरा ध्यान रखते हुए इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसमें हमारे प्रत्याशी द्वारा किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो उन्हें पूरा हमारी आदर्श आचार संहिता की मध्य प्रदेश हमारे विधि प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश द्वारा एक पुस्तक भी बनाई गई है जिसका नाम आदर्श आचार संहिता दिया गया है, जिसमें हमारे संपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से आचार संहिता का पालन किया जाएगा और किस प्रकार से प्रत्याशी को अपने चुनाव प्रचार के दौरान किन किन आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए। कितनी शिकायतों की बात की जाए तो कितनी शिकायतें अभी तक आपने दर्ज करवा चुके हैं? अभी तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम 150 से ज्यादा शिकायत दर्ज करा चुके हैं। विपक्षी पार्टी द्वारा लगातार सदोष राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुरस्कार देना, जनता को तरह तरह से प्रलोभन देना, उन्हें ललचाने का लोभ लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। इस कारण से हम विधि प्रकोष्ठ उसके क्षेत्र में कंटिन्यू काम कर रहा है और विधि प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्याशियों के आचार संहिता, विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है उसके संबंध में हमने अभी तक वर्तमान में 150 से ज़्यादा शिकायत कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में की जा चुकी है। साथ ही 52 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा पर 5 वकीलों की टीम हमारे प्रत्याशी को दी गई है जो उन्हें आदर्श आचार संहिता के पालन के बारे में लगातार गाइड करते हैं। साथ ही ये नज़र रखते हैं कि विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी हम लगातार निर्वाचन आयोग में शिकायत करते हैं। तो देख सकते हैं रवि, 50 से अधिक जो शिकायतें इंदौर में की जा चुकी है और पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 150 शिकायतें विधि प्रकोष्ठ ने दर्ज की हैं। तो लगभग ये आंकड़ा बता रहा है कि लगभग कांग्रेस से ज्यादा तो कहीं ना कहीं विधि प्रकोष्ठ द्वारा यह शिकायतें दर्ज करवा चुके हैं। जी रवि जी, जैसा कि आपने इन्होंने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर ये सारी रियायतें बरतते हैं, अपने प्रत्याशी को भी बताते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, पर यदि अगर शिकायत हो जाती है तो ये किस तरह से बचाव करते हैं अब अपने प्रत्याशी का? रवि माफी चाहूंगा, वापिस से आप सवाल दोहराएं, आवाज आपकी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे कि यदि इनके प्रत्याशी पर कोई शिकायत होती है तो किस तरह से उसका बचाव करते हैं? राय जी, अगर बीजेपी के प्रत्याशी पे अगर कोई शिकायत दर्ज होती है तो क्या बचाव रहता है आपका?
सर्वप्रथम तो हमारे प्रत्याशी द्वारा कोई ऐसी गलती कही नहीं जा रही है जिससे कि उनके खिलाफ कोई आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं किया जा रहा है, और अगर कोई शिकायत की जा रही उनके विरुद्ध अगर कोई शिकायत झूठी कोई शिकायत की जा रही है तो हम उसका निर्वाचन आयोग को भी उस शिकायत की सत्यता के बारे में हमारे द्वारा भी आवेदन दिया जाता है और उस शिकायत की पूरी निष्पक्ष जांच कराए जाने के संबंध में हमारी पूरी टीम लीगल टीम पूरा काम करती है, और उस प्रकार से हमारा प्रत्याशी चूँकि हमारे सभी प्रत्याशी को पूरी आचार संहिता के नियमों की जानकारी है इस कारण से हमारे किसी प्रत्याशी द्वारा किसी विधानसभा के प्रत्याशी द्वारा कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। देखिए देख सकते रवि कि अगर कोई उम्मीदवार पर एक कोई शिकायत कांग्रेस द्वारा की जाती है तो विधि प्रकोष्ठ उस पर एक आपत्ति भी लेता है और उसकी जांच की मांग भी निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। जी रवि जी, जैसा कि कई मापदंडों का भी इन्होंने जिक्र किया है कि ये कई मापदंडों को लेकर चलते हैं, तो ऐसे कुछ मापदंड हम इनसे जानना चाहेंगे जिन पर खुद के प्रत्याशी भी मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी ध्यान रखे जो ये ने फॉलो करें, और साथ ही दूसरी मतलब विपक्ष की जो पार्टी है उनकी किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा इनकी पार्टी के लोगों को। राय जी, आपके क्या मापदंड होते हैं पार्टी का उम्मीदवार क्या ध्यान रखे और सामने वाले का कैसे ध्यान रखा जाएगा अगर विपक्ष कुछ करता है तो? विपक्ष द्वारा अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो जैसे ही विधि प्रकोष्ठ को जानकारी मिलती है हम त्वरित उस पर संज्ञान लेते हुए और हम उसकी शिकायत को संबंधित निर्वाचन अधिकारी को करते हैं, साथ ही उनसे अगर आवश्यक होता है तो हम संबंधित थाने में भी उनकी शिकायत करते हैं और उस प्रकार से विधि प्रकोष्ठ अपना काम करता है। हमारे उम्मीदवार जो हमारे सभी विधानसभा के प्रत्याशी हैं उन विधानसभा के प्रत्याशी को आदर्श आचार संहिता के पालन का पूरे नियमावली उन्हें अच्छे से विधि प्रकोष्ठ द्वारा समझाई गई है, साथ ही उम्मीदवारों हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सभी आचार संहिता के पालन करते हुए ही अपना चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। तो बिल्कुल रवि, यहाँ पर उम्मीदवारों को बिल्कुल इस तरह से समझाई, इस तरह से जानकारियाँ दी गई हैं कि वो अपने निर्वाचन अपने चुनाव के समय कोई गलती ना करें, क्योंकि गलती का खामियाजा उसको भुगतना भी पड़ता है। जी रवि जी, जैसा कि हम आप इनसे जानना चाहेंगे कि यदि किसी भी प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने की स्थिति में आ जाए तो तब उस स्थिति में क्या कुछ कर सकते हैं? अगर कोई प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने की स्थिति बनती है, कंडीशन बनती है, तो क्या फिर आप कदम उठाते हैं? हमारे द्वारा जितने प्रत्याशी के नामांकन फॉर्म दाखिल किए गए हैं सभी किसी भी प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म निरस्त नहीं किया गया है। पूरी विधि प्रकोष्ठ की टीम द्वारा सभी नियमों और मापदंडों और चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिग्दर्शिका का पालन करते हुए उसको संज्ञान में लेके ही चुनाव फॉर्म भरे गए हैं, तो इस हमारे किसी भी उम्मीदवार का चुनाव फॉर्म निरस्त होने की कोई संभावना नहीं है और ना ही कोई चुनाव फॉर्म निरस्त होगा। तो बिल्कुल देखिए, अभी तक तो कोई निरस्तता नहीं आई है, लेकिन आज बड़ा दिन है नामांकन का, नाम वापसी का भी, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक यदि कोई निरस्तता या ऐसा कोई त्रुटि सामने भी नहीं आई है। जी रवि जी, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजर। ये इंदौर से हमारे संवाददाता अजर शेख जिन्होंने इस विषय पर पूरी चर्चा की, पूरी जानकारी दी। फिलहाल वक्त को चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।